हेलो दोस्तों, नरसा टाइडिंग्स में आपका स्वागत है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग पहाड़ी की ढलान से उतरते समय टू व्हील या फोर व्हील को बंद कर देते हैं ताकि वह अपना कुछ प्रतिशत फ्यूल बचा सके। क्या ऐसा ट्रेन के साथ भी किया जा सकता है? आइए जान लेते हैं। ढलान पर वाहन को बंद करने का वे लोग ही सोच सकते हैं जिन्होंने कभी कार या ट्रक ड्राइव नहीं किया हो या उन्हें गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम का कुछ पता ना हो। यदि ढलान पर उतरते समय जब हम कार को बंद कर देते हैं तब उसका एसी, डिस्क ब्रेक, पावर स्टीयरिंग इत्यादि काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगातार पावर की जरूरत होती है और उन उपकरणों को पावर तब मिलेगी जब कार का इंजन चालू होगा। इससे एक्सीडेंट होना तय है। ठीक उसी तरह एक लोकोमोटिव के बहुत से उपकरण होते हैं जिन्हें पावर की लगातार जरूरत होती है। बिना पावर के उसके उपकरण काम करना बंद कर देंगे। चलिए मान लेते हैं कि लोको पायलट ट्रेन के इंजन को ढलान पर उतरते समय यदि बंद कर दे तो क्या होगा? ढलान पर इंजन बंद करते ही इसके उपकरण बंद हो जाएंगे, जैसे कि रेडिएटर फैन, कंप्रेसर, मोटर, ब्लोअर इत्यादि। रेडिएटर फैन के न चलने से वह पानी जो इंजन की गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है वह कभी ठंडा नहीं हो पाएगा और इंजन की गर्मी से इसके रबर के पार्ट्स भी पिघल सकते हैं। जब ट्रेन के मोटर ब्लोअर नहीं चलेंगे तब इंजन के पहियों में लगे मोटर्स गर्म हो जाएंगे जिससे उनका बेयरिंग या फिर उनका ग्रीस बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एयर कंप्रेसर की बहुत ज़रूरत होती है। ब्रेक के लिए 6 केजी का दबाव मेंटेन करना होता है। जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो एक बार ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक पाइप से हवा निकल जाएगी, फिर वापस हवा का दबाव मेंटेन नहीं हो पाएगा जिससे ट्रेन के ब्रेक पूरी तरह से लग जाएंगे और वह रुक जाएगी। इस तरह के लोकोमोटिव में बहुत से छोटे छोटे उपकरण होते हैं जिन्हें लगातार पावर की जरूरत होती है, इसलिए लोकोमोटिव को ढलान पर बंद करना संभव नहीं है। यानी थोड़ा सा फ्यूल बचाने के चक्कर में 10 करोड़ के इंजन की बैंड बच जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ढलान पर वाहन का इंजन बंद करना बेहद ही खतरनाक होता है। इससे पूरे वाहन का वजन ब्रेक पर पड़ता है और ब्रेक फेल हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लोकोमोटिव को ढलान पर बंद नहीं किया जाता है। धन्यवाद।